टूनी अपनी खेती में पर्वतारोही पौधों की सब्जियां उगाती थी। उसमें हर दिन नियमित पानी दिया करती थी। रोजाना की तरह टूनी पौधों में पानी दे रही थी। उसे अचानक कोई अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या फिर कोई धीरे से बात कर रहा हो। टूनी ने मन ही मन कहा, अरे यहाँ तो कोई दिखाई नहीं देता, फिर जैसे यहाँ पर कोई फुसफुसा रहा हो, जैसे कुछ कह रहा हो। यो सोचकर टूनी अपने काम में व्यस्त हो गई। दो दिन बीत गए। टूनी ने देखा कि उसके पौधों में अचानक से फूल निकल कर आए थे। ये क्या, इतनी जल्दी इसमें फूल लग गए? ये तो बहुत ही चौंका देने वाली बात है। टूनी अचरज होकर सभी फूलों को देख रही थी। वो स्तब्ध हो गई और एक फूल को छुआ, पर आश्चर्यजनक रूप से फूल गायब होकर उसकी जगह बड़ा सा लाल कद्दू आ गए। टूनी के तो जैसे होश ही उड़ गए। फूलों को जैसे ही मैंने छुआ, ये कद्दू में बदल गए। मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। टूनी ये देख दंग रह गई और तुरंत अपने घर में भागी। तेज हवा चलने लगी, जिस हवा के कारण सारे लाल कद्दू पौधे से निकलकर जमीन पर गिरे और टूट गए। और उन टूटे हुए कद्दूओं में से ना जाने कुछ अजीब सी चमक बाहर निकली और हवा में चली गई, जिसे देख टूनी इतना घबराई कि वो तुरंत घर में दौड़ी। थोड़ी ही देर में तूफानी हवा थम गई। टूनी दबे हुए पांव से धीरे धीरे उस पौधे के पास पहुंची। उन कद्दूओं में से सोना बाहर निकला हुआ था। ये मैं क्या देख रही हूँ? क्या मेरी आंखों को भ्रम हुआ है या ये सच है? उसे यकीन हुआ कि वो सच में सोना है। मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना, ये तो सच में सोना है। यूं स्तब्ध होकर वो अपने आप में सोच रही थी कि किसी ने पीछे से उस पर हाथ रखा। उसने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ लूसी कबूतर खड़ी थी। दोस्त, मैंने अभी अभी अपनी छत से यहाँ पर जो कुछ हो रहा था देख लिया है। मैंने देखा कि इन कद्दूओं में से कोई रोशनी निकल कर गई, और ये सोना कहाँ से आया? मुझे लगता है तुमने कोई क्षुद्र पूजाएं कराई होंगी। अरे यार बस भी करो, मैं वैसे ही यहाँ पर कब से परेशान हूँ ये सोचकर, और ऊपर से तुम अजीब सी बातें कर रही हो। ये तो क्या कह रही है, क्या सच में तू कुछ नहीं जानती? तो फिर तूने ये कद्दू के बीच लाए कहाँ से? टूनी को चुपचाप खड़ा देख लूसी ने फिर से पूछा, क्या हुआ दोस्त, तू ऐसे पानी क्यों निकल रही है? बता ना, तूने ये बीच कहाँ से लाए? दरअसल वो करती हुई क्यों अटक रही हो? जो मैंने पूछा बताती क्यों नहीं? तो सुन, मैंने ये बीज चोरी किए हैं। क्या कहा, चोरी किया तूने? पर क्यों और कहां से? दरअसल दो दिनों पहले मैं अपनी सहेली चीचू कवा से मिलने उसके पास गई थी, और मैं जब वहां गई, तुम्हारा ये घर तो बहुत ही सुंदर है और आंगन में ये पेड़ पौधे बहुत शोभा देती हैं, एकदम हरा भरा सा, बहुत सुंदर। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। सुनो ना दोस्त, तुम अपने आंगन में रही पर्वतारोही पौधों के बीज मुझे दोगी? चीचू कवा थोड़ा संदेह करने लगी। दरअसल मैंने सारे बीज बो दिए हैं, अगली बार मैं तुम्हारे लिए जरूर बीज लेकर आऊंगी। अच्छा, कोई बात नहीं दोस्त, अगली बार जब मैं आऊंगी तो जरूर बीज लेकर जाऊंगी, अभी मैं चलती हूँ। ऐसे कैसे दोस्त, बड़े दिनों बाद मेरे घर आई हो। तुम बस 5 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाकर ले आती हूँ। इस बार रहने दो ना दोस्त। बस तुम यहाँ बैठो, मैं चुटकियों में खाना बनाकर ले आती हूँ। उसने बहुत आग्रह किया, इसलिए मैं उसके घर के पलंग पर बैठ गई। पर जब मैं यूं पलंग पर बैठी थी, अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे पलंग के नीचे कोई चीज रखी है। मैंने जैसे ही गद्दे को उठाया, वहाँ बहुत सारे कद्दू के बीज थे। वो बीज साधारण बीज की तरह नहीं थे, बल्कि थोड़े अजीब से थे। और ऊपर से मेरी सहेली ने कहा कि उसके पास बीज नहीं है, इसीलिए ये जानने के लिए मैंने कुछ बीज चुरा लिए। फिर मैंने जल्दी जल्दी से खाना खाया और अपने घर वापस आ गई। लूसी को भी उसकी बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। वो सब सच है, अचानक से उसके धनवान होने के पीछे यही वजह है। जब हम छोटे थे तब हमारी दादी हमें कहानी सुनाया करती थी। कहती थी कि कुछ जादुई बीज होते हैं, जिसे हम जब बो देते हैं तो वहाँ बिना किसी को पता चले कुछ ऋषि मुनि आकर वास करते हैं। अपनी तपस्या खत्म कर जाते जाते वे वहाँ पर बहुत सारा सोना दे जाते हैं। पर बचपन में कही दादी की बातें आज मेरे सामने प्रत्यक्ष रूप से हो रही है। लूसी की बात सुन टूनी ने कहा,
तुम्हारी दादी बिल्कुल सही कहा करती थी, जैसे ही मैंने बीज बोया और हर दिन उसमें पानी दिया करती थी तो मुझे वहाँ पर किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती थी, पर मैंने कभी ये समझा ही नहीं। अब तुम कह रही हो तो मुझे समझ में आ रहा है। फिर दोनों सहेलियों ने मिलकर वहाँ पर उगा सारा सोना बोरियों में भरा। टूनी ने लूसी को उनमें से कुछ बोरियाँ अपने पास रखने के लिए कहा। लूसी बहुत खुश होकर सोना अपने घर लेकर गई। फिर वे दोनों सहेलियाँ कुछ ही दिन में धनवान हो गए, अपने लिए सुंदर सा घर बना लिया। उन दोनों ने यह जान लिया कि चीचू कवा को किसी ऋषि मुनि ने ही वो बीज दिए थे, पर वे दोनों चीचू कवा की तरह नहीं बने बल्कि गरीब और जरूरतमंद पक्षियों की सोना देकर उनकी सहायता करते और अपना जीवन खुशहाली से जीने लगे थे। चीचू कवा दूध का व्यापार किया करती थी, वो घर घर जाकर दूध दिया करती। इसी काम से पैसे कमाकर वो अपना घर चलाती थी। एक दिन ब्रूस ली ने अपनी पत्नी टूनी से कहा, टूनी इस बीच दूध बहुत ही पतला आ रहा है, एक बार तुम उस दूध वाली से बात कर लेना। दरअसल मैं उसे आज यही पूछने वाली थी, दूध सच में बहुत ही पतला दे रही है, ऐसा पानी वाला दूध लेने से तो बेहतर है हम उससे दूध ही ना ले। यूँ पति पत्नी बात कर ही रहे थे कि तभी चीचू कवा ने आवाज दी, मैम साहब दूध ले लीजिए। टूनी बर्तन लेकर बाहर आई। चीचू दूध बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा, पहले कितना गाढ़ा दूध दिया करती थी, अचानक से दूध पतला आने लगा है, आखिर तुम ऐसा क्या कर रही हो, क्या तुम इसमें पानी मिला रही हो? सुनिए मैम साहब, मुझे ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। अच्छा होगा अगर आप मेरे बारे में ऐसा कुछ ना कहें। टूनी ने पूछा, अगर ऐसा है तो दूध इतना पतला क्यों आ रहा है? ये तो हम भी नहीं जानते मैम साहब, हम भी तो यही दूध इस्तेमाल करते हैं। वो गुस्से से ही जवाब देकर चीचू वहां से चली गई। देखा आपने उसने किस तरह से बात की और हमें तो कुछ कहने ही नहीं दिया। चीचू की कही बातों में कितना सच है और कितना झूठ, यही दोनों पति पत्नी सोच रहे थे। वो रात बीत गई। अगली सुबह चीचू ने जो दूध लाया था वो बहुत ही गाढ़ा था। ये देख टूनी बोली, अब देखो ये दूध कितना गाढ़ा है और कल तुम कितना कुछ कहकर चली गई, आखिर माजरा क्या है? मैम साहब मैंने बताया तो सही कि मैं खुद नहीं जानती। यूँ बदतमीजी से जवाब देकर चीचू चली गई। कुछ दिनों तक लगातार चीचू ने उसे गाढ़ा दूध ही दिया और फिर एक दिन वो पतला दूध लेकर आई। फिर वही सिलसिला जारी था। आस पड़ोस में रहने वाली सभी पक्षी टूनी के पास आई। टूनी तुमने देखा कुछ दिनों तक दूध बहुत अच्छा आता है और कुछ दिन एकदम खराब। यूँ शाम के समय टूनी की सभी सहेलियाँ उसके घर पर आकर पूछ रही थी। हाँ दोस्तों मैंने उससे कई बार पूछा और हर बार वो कोई बेटू का जवाब दे देती है, मैं कर भी क्या सकती हूँ, क्या तुम में से किसी ने कुछ पूछा? हाँ लेकिन जब भी हम कुछ पूछते हैं कोई ना कोई जवाब देकर खिसक जाती है। इस तरह सभी उस दूध वाली के खिलाफ बात कर रहे थे, हर कोई चीचू के अजीब रवैये के बारे में बात करने लगे। फिर सभी ने मिलकर ये तय किया कि वो ये जान कर रहेंगे कि चीचू आखिर करती क्या है। अगली सुबह सभी सहेलियों ने तय कर चीचू जहाँ रहा करती थी उसके घर के पास पहुँचे। चीचू के घर के थोड़ी दूर में छुप कर वे चीचू की हरकतों पर नजर रखे हुए थे। चीचू कौवा प्रातः गीत गाती हुई अपने काम कर रही थी। उसने दूध से भरे सारे कैन एक जगह पर लाकर रख दिए। सभी ऐसा सोचते हैं कि मैं दूध में पानी मिला रही हूँ, भला उन्हें अब कौन बताए कि मैं कितनी ईमानदारी से काम करती हूँ, दूध इतना पतला क्यों आ रहा है ये मैं कैसे जानूं? पर सभी को मुझे पर शक हो रहा है। खैर उनकी सोच जब बदलेगी तब बदलेगी। यूँ अपने आप से ही कहती हुई चीचू ने सारे कैन ऑटो ट्रॉली में रखे और वहाँ से चली गई। पक्षियों ने कहा, अरे लगता है हमने चीचू कवा पर बेकार में ही शक किया, वो तो सच में कुछ नहीं जानती बेचारी। पर टूनी को अब भी शक हो रहा था। दोस्तों ना जाने क्यों मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, तुम सब यहाँ से चली जाओ मैं यहीं रुकती हूँ। दोस्त अभी कौन सा सच जानना बाकी रह गया है, सब कुछ तो हमने देख लिया ना? नहीं दोस्तों मुझे अब भी बाद में कोई गड़बड़ नजर आती है, तुम सभी यहाँ से चली जाओ मैं रुकती हूँ।
फिर टूनी की सभी सहेलियां अपने अपने घर वापस लौटी। चीचू कौवा कुछ दूर तक जाने के बाद बीच रास्ते से ही वापस लौटी। तुम सब मुझे रंगे हाथ पकड़ने आए थे ना, पर शायद तुम नहीं जानते कि मेरे पीछे भी आंखें हैं। अब मैं अपना असली काम पूरा कर लूंगी। चीचू कौवा ने दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया। तो ये है तेरी ईमानदारी, अब मैं तुम्हारा दूध का दूध और पानी का पानी करूंगी। टूनी चीचू के पीछे जा खड़ी हुई। ये तुम क्या कर रही हो, दूध में पानी मिला रही हो चीचू? टूनी की आवाज सुनते ही चीचू ने बौखला कर पीछे मुड़कर देखा। दरअसल मैं आपको ये बताना चाहती थी कि पानी मिलाया हुआ दूध कितना पतला होता है, इसीलिए एक कैन में मैं पानी मिला रही थी। तुम दोनों दूध को जब आप देखोगी तो आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा। ये बात को संभालने की चीचू ने कोशिश की। वाह रे चीचू वाह, कितनी चालाक हो ना तुम, तभी तो इतने फायदे में व्यापार कर पा रही हो। यहाँ असल में जो कुछ भी हुआ है वो मैंने अपनी आँखों से देखा है, इसलिए अब ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं तुम्हें। पैसों के लिए तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगी? हम तुम पर इतना विश्वास कर दूध अपने बच्चों के लिए लेते हैं, ये सही तरीका नहीं है दोस्त। मैम साहब जी, मुझे माफ कर दीजिए, दरअसल चार पैसे ज्यादा कमाने की लालच में मैंने ऐसा कर दिया। आप ही मुझे बताइए मैम साहब, थोड़े बहुत फायदे में भला मैं अपनी जिंदगी कब आगे लेकर जाती? अगर तुम्हें खुद का फायदा ही कराना था तो तुम दूध के दाम ही बढ़ा लेती, पर तुम्हें ऐसी कोई हरकत करने की जरूरत नहीं थी। जिसे तुम्हारे पास दूध लेना होता वो ले लेते, जो नहीं ले पाते वो नहीं लेते। भले ही शुरुआत में तुम्हें ज्यादा फायदा ना हो, पर समय के साथ तुम्हें फायदा हो ही जाता। मैं इसे तुम्हारी पहली गलती मानकर छोड़ रही हूँ। नहीं नहीं मैम साहब, आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। टूनी ने उसकी बात पर भरोसा किया। चीचू ने अपना वादा निभाते हुए कुछ दिनों तक गाढ़ा दूध ही दिया, पर फिर से वो अपनी हरकत पर उतर आई। उसने फिर से दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया। तो तुम फिर से वही काम करने लग गई ना? लगता है तुम चाहती होगी मैं सबसे तुम्हारी सच्चाई कह दूं। आप अगर बता भी देंगे तो कोई आपकी बातों पर भरोसा नहीं करने वाला। कल से मैं आपको दूध देने आने ही नहीं वाली। बड़े गुस्से से कहकर चीचू वहाँ से चली गई। आज किसी को नहीं पता चला तो नहीं, देर सवेर तुम्हारी सच्चाई सभी को पता चल जाएगी। बीते दिनों के साथ वहाँ रहने वाले पक्षियों को ये पता चलने लगा कि चीचू उन्हें धोखा दे रही है। अब टूनी डोरा नाम की एक ईमानदार दूध वाली के पास दूध लेने लगी। ये देख उसके आस पड़ोस में रहने वाली सभी पक्षी टूनी के पास आकर डोरा के बारे में जानने लगे। फिर सभी ने एक साथ चीचू कौवा के पास दूध लेना बंद ही कर दिया। उस दिन चीचू कौवा को अपनी की गलती का एहसास हुआ। ठोकर खाकर सबक सीखी चीचू कौवा ने फिर से गाढ़ा दूध बेचना शुरू किया। पर कहते हैं ना, कुत्ते की दुम टेढ़ी होती है। चीचू कौवा अपनी आदतों से बाज नहीं आई।